उस मोहिनी का श्राप। श्राप ये था कि हमारे नागलोक से नाग मणि पूरी तरह से गायब हो जाए। आपके नागलोक की शक्ति वो नाग मणि है ना? वो नाग मणि इस लोक से अदृश्य हो जाए। यानी आपका उद्देश्य नागमणि प्राप्त करना था। हाँ दिग्विजय, नागमणि को मैं कभी पाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे भैया ने नागमणि के कारण मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, सिद्धि विद्या से मुझे दूर रखा। इसलिए मैं इसी कोशिश में हूँ कि नागमणि उनकी कभी भी ना हो। इसी नागमणि को पाने के लिए तुम अपने घर से दूर रहे और तुमने अपनी बेटी को भी खोया। अपने दोस्तों को खोया। अपना रूप खोकर भटक रहे हो। इसी कारण से वो नागमणि तुम्हें ही मिलनी चाहिए और तुम्हें ही मिलेगी। नागमणि मुझे चाहिए दिग्विजय, मुझे चाहिए। तुम इसे पाने का केवल एक आयुध हो। नागमणि मेरी होगी कह रहे हैं। अपने भाई से बचने के लिए आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे इनकी बात को जानने की कोशिश करनी चाहिए। इनसे खतरा तो है। नागमणि पर कहीं कहीं कोई आपत्ति ना आ जाए, इसीलिए उन्होंने न जाने कितने रक्षणा होम किए। ये मोहिनी है कौन? क्या कहानी होगी इसके पीछे? उस दुष्ट मंत्रवादी त्रयंबक से नागमणि वापस पाकर आदिशेष जब महागुरु नाग नेत्रा के पास आया, गुरुदेव को मेरा प्रणाम। मैं नागमणि ले आया गुरुदेव। महादेव को अर्पित कर दो। महागुरु, आप इतने गंभीर क्यों नजर आ रहे हैं? नागमणि पुनः हमारे नागलोक लौट आई है ना महागुरु? आ तो गई है, लेकिन आज के बाद किसी भी दुष्ट के हाथ ये नागमणि नहीं लगनी चाहिए। और यदि मिल भी गई तो इसकी शक्ति उसे नहीं मिलनी चाहिए नागमाता। इसलिए मैंने एक निर्णय लिया है। जी बताइए महागुरु। नागमणि यदि भूलोक पहुंच गई और दुष्टों के हाथ लग गई तो एक बड़ी समस्या हो जाएगी। इसीलिए महादेव ने हमें एक उदाहरण देकर ये पाठ पढ़ाया है। यदि किसी कारण नागमणि दुष्टों को मिल भी जाए तो उसकी शक्ति शून्य होनी चाहिए नागमाता। इसलिए नागमणि की शक्ति को तीन हिस्सों में बांट रहा हूं मैं। उसका एक भाग राजमाता होने के नाते आपके पास रहेगा और उसका दूसरा भाग भविष्य में हमारे राजा बनने वाले आदिशेष के पास रहेगा और उसका बचा हुआ तीसरा भाग नागमणि के भीतर ही रहेगा और वो शक्ति होगी जीवात्मा। जब तीनों शक्तियां एक साथ एकत्रित होंगी तभी पूर्ण प्रमाण वाली नागमणि की शक्ति बाहर आना संभव हो पाएगा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। नागमाता थोड़ा आगे आइए। जी गुरुजी। जटाटली गलत जल प्रवाह भावे
गुरुजी, नागमणि यहाँ हमारे धरती लोक पर आई, लेकिन एक बार आपने उसे खो दिया और एक बार मैंने। अब उसका पता कैसे लगाएं, ये बताइए गुरुजी। पता लगाना होगा नंदेश, लगाना ही होगा। मैं यदि जीवित हूँ तो सिर्फ नागमणि के लिए, और हाँ, उसका पता लगाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। ओम गरुड़ देवाय नमः, पक्षी राजाय नमः, भृंग राजाय नमः। मुझे बाहर जाने से कौन रोक रहा है? छे, लगता है ये शिवानी मुझे बंधन में रख कर गई है। हे परमेश्वर, नमो नमः। शिवानी, ये कौन सी जगह है? मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? नागलोक वासी होने के नाते नागलोक के बाद यही हमारे लिए पुण्य स्थल है नागमाता, क्योंकि यहाँ हमारे आराध्य देव महेश्वर हैं और साथ ही नागमणि भी यही है। क्या कहा, नागमणि यहाँ है? 26 सालों से लापता नागमणि यहाँ पर है? यहाँ कहाँ है शिवानी? नागमणि कहाँ पर है? परमेश्वर के चरणों में बिल्कुल सुरक्षित है नागमणि। हे महादेव, हमें नागमणि के दर्शन करा दीजिए भगवान। नमः, भृंग राजाय नमः, पक्षी राजाय नमः, दूरदर्शक शक्ति प्रदान करो। प्राप्त हो गया, नागमणि कहाँ है पता चल गया है। अच्छा, आप सच बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं आप? हाँ, चलो नागमणि के स्थान पर जाएंगे। मैं नागमणि आपके पास लेकर आती हूँ। रुको शिवानी, लेकिन नागमाता, नागमणि तो... मेरी बात सुनो शिवानी। नागेन्द्राय नागकुल तिलकाय त्रिनेत्राय धीमहि तन्नो नागो प्रचोदयात्।
शिवानी, दुष्टों के हाथ को लगने की वजह से नागमणि अपनी सात्विक शक्ति खो चुकी थी। अब नागमणि अपने मूल रूप में वापस आ गई है। तो क्या अब हम नागमणि की सहायता से मेरे आदिशेष का पता लगा सकते हैं नागमाता? बिल्कुल पता लगा सकते हैं शिवानी। महाशक्तिशाली महामणि, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें। अच्छे गुण और अच्छे मन के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। हमारे नाग लोक का कुलदीप आदिशेष भूलोक पर जन्म लेकर आया था, लेकिन हम नहीं जानते कि वो कहां पर है। कृपा करके हमें जल्दी बताइए कि वो कहां है। जल्दी से जल्द उसे ढूंढकर हमें आशीर्वाद दीजिए कि उसके साथ हम वापस नागलोक लौट जाएं। शिवानी, ये सब क्या है? ऐसा क्यों हुआ? उस दिन भी ऐसा ही हुआ था नागमाता। नागमणि की सहायता से हमने जानने की कोशिश की कि आदिशेष कहाँ है, लेकिन नागमणि तो अचानक ओझल हो गई थी। सिर्फ आपकी सहायता से नागमणि को संपूर्ण शक्ति प्राप्त नहीं होगी, उसे एक और शक्ति की आवश्यकता है, और वो है जीवात्मा की शक्ति। जीवात्मा? जी नागमाता, स्वामी जी ने कहा था कि अगर जीवात्मा को हमने पुनर्निर्माण किया तभी नागमणि पूरी तरह से कार्य रूप होगी। मैं जो सुमंगली व्रत कर रही थी ना, इसी कारण से कर रही थी। स्वामी जी ने यह भी कहा कि अगर इस पूजा को फलकारी बनाना है तो आचार्य जी की बेटी की शादी करवानी होगी, इसीलिए तो मैं उसकी शादी करवाने के लिए इतनी कोशिशें कर रही हूँ। आप सही सोचते हैं, राक्षस बहुत ही क्रूर होते हैं, सबको परेशान करते हैं, लेकिन उनके जीवन में एक अच्छा व्यक्ति आने के बाद उन राक्षसों की क्रूरता किसी तरह उनके अंदर से निकल जाती है। पुराणों में ऐसे कई सारे सबूत हैं, पर असल जीवन में ऐसी परिस्थिति आने पर उसे कोई क्यों नहीं अपनाता है? बंद करो अपनी ये बकवास। तुम यहाँ दोबारा क्यों आए? ये मीठी मीठी बातें करके आचार्य जी के मन को जीतना चाहते हो? मयूरी से शादी करने की इच्छा रखते हो ना? यहाँ यही बताने आए होगे कि तुम्हारी दी हुई कुंडली झूठी नहीं असली है। नहीं बेटी, अभय सर आए थे और उनके साथ ये भी आ गए। अच्छा हुआ कि तुम भी आ गई। एक और अच्छी कुंडली मिली है, ये अभय सर बता रहे थे। मैं भी एक ऐसी ही कुंडली लेकर आई हूँ आचार्य जी, इससे यहाँ देखकर घुटन सी हो रही है। लीजिए ये देखिए। लेकिन बेटी, पहले ऐसी कुंडली मिलती ही नहीं थी, करोड़ों में एक कुंडली मिलती थी। अब ऐसी कुंडलियां बार बार सामने आ रही हैं। अरे रे 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 रे, क्या बात है, ये तो बड़ी ही अद्भुत कुंडली है। इससे पहले जो भी कुंडलियां देखी तो कहीं ना कहीं लगता था कि ये मेरी बेटी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन ये कुंडली मेरी बेटी की कुंडली से पूरी तरह मेल खाती है।
लड़के वालों को यहाँ? हाँ जरूर बुलाओ, पर उससे पहले एक बार और इसका अध्ययन कर लेता हूँ। कल सुबह तक सब कुछ बता दूंगा। लगता है खास मेरी बेटी के लिए बनी है ये। अभी मैं नहा लेता हूँ, भगवान के दिए का समय हो गया। ये क्या है अभय, इसे यहाँ लाकर आपने सोचा कि आचार्य जी का मन बदल जाएगा और मयूरी से इसकी शादी हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा अभय। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का विवाह ऐसे राक्षस से कभी नहीं करवाएंगे। जो कुंडली मैं लेकर आई हूँ, मयूरी उसी से शादी करेगी। कुंडली भी उसी की मिलती है। नाग माता, नाग माता आप कहाँ गई थी? आपको पूरे घर में ढूंढा, मैं परेशान हो गई थी। नाग माता मैं आपसे पूछ रही हूँ, कहाँ गई थी? जहाँ जाना चाहिए था मैं वहीं गई थी, जहाँ सबकी भलाई है। ये क्या, मैं कुछ समझी नहीं। धर्म के विरुद्ध जाने वालों को कभी भी किसी की सीधी बातें आसानी से समझ में नहीं आती। यानी आप कहना क्या चाहती हैं? मैं धर्मद्रोही हूँ? ये प्रश्न तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि अपने आप से पूछना है। शिवानी से बात करने के बाद आप मुझे संदेह भरी दृष्टि से देख रही हैं। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा बर्ताव भी बिल्कुल वैसा ही है। मयंगिनी, तुम्हारा इस लोक पर आने का क्या उद्देश्य है? मेरे आने का जो भी उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए मैं अपना प्रामाणिक प्रयत्न कर रही हूँ। जिस उद्देश्य के लिए तुम यहाँ आई हो उसके लिए प्रामाणिक प्रयत्न कर रही हो, या नागलोक ने जिस कार्य को तुम्हें जिम्मेदारी से सौंपा था उसके लिए प्रामाणिक प्रयत्न कर रही हो? नागलोक की आज्ञा को नकारने का धैर्य मुझ में नहीं है नाग माता, लेकिन इसमें पक्षपात और अन्याय है। देखो वहाँ नागमणि कैसे चमक रही है, स्फटिक जल की तरह, हिम बिंदु पर जैसे सूर्य के प्रकाश जैसा प्रभाव दिख रहा है। नववर्ण में नागमणि कैसे चमक रही है देखो। गुरुजी, नागमणि जब दिग्विजय के पास थी तब मैंने उसे कभी नहीं छुआ, क्या मैं इसे एक बार छू सकता हूँ गुरुजी? सब्र करो, जल्दबाजी तुम्हारी जान भी ले सकती है। इस नागमणि में तीनों लोकों के देवों की शक्ति समाई हुई है, ये महाशक्ति मणि है। बिना तैयारी के अगर साधारण इंसान इसे छुएगा तो वो भस्म हो जाएगा। तो फिर गुरुजी, इसे छुएंगे कैसे, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? सब होगा नंदेश, सब्र रखो तुम, हम यहाँ इसी कार्य के लिए आए हैं। गरुड़ देव हमारी सहायता करेंगे। ओम गरुड़ देवाय नमः, ओम पक्षी राजाय नमः, ओम ब्रह्म राजाय नमः, ओम विष्णु वाहनाय नमः। शिवानी जी रुकिए तो। क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? शिवानी जी, इतना गुस्सा किस लिए? क्यों इतनी जिद कर रही हैं आप? ऐसी क्या गलती कर दी उसने? क्या आपने एक बार मयूरी के मन में क्या है वो जानने की कोशिश भी की? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, उन दोनों को दूर करने का क्या अधिकार है आपको? आप कहती हैं कि प्यार पवित्र है और अब उसी प्यार को आप खत्म करने जा रही हैं। क्या है शिवानी जी, इसका मतलब क्या है? देखिए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो कैसा इंसान है। प्यार क्या होता है वो मैं भी जानती हूँ, क्योंकि मैंने भी प्यार किया है। लेकिन मैंने सिर्फ एक से प्यार किया है और जीवन भर उसी से करूंगी। मतलब प्यार करना सिर्फ आपको ही आता है और कोई प्यार नहीं कर सकता है? जिससे प्यार करना चाहिए उसी से प्यार करे तो सब सही होगा। अगर गलत इंसान से प्यार किया तो वो प्यार भी गलत है। जैसे मैं अपने पति से प्यार करती हूँ वैसा प्यार ये मयूरी से नहीं कर सकता।
मेरे पति के प्यार में श्रेष्ठ प्यार का अनुभव किया है मैंने। मेरे और मेरे पति का प्यार एक जन्म का नहीं है, और आप यहाँ मुझसे ही प्यार का मतलब पूछने आए हैं। शिवानी आपकी चहेती है ना, लेकिन वो नागलोक के नियमों के विरुद्ध जाकर वो भूलोकवासी बन चुकी है, क्या ये आपको ज्ञात है? मुझे सब ज्ञात है मायांगिनी। शिवानी अपनी जिम्मेदारी भली भांति जानती है। तुम्हें जो काम सौंपा गया है वो तुम कितनी ईमानदारी से करोगी ये मैं नहीं जानती, लेकिन शिवानी वो अपने काम में एक कदम आगे है, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। अब ना तो तुम मुझसे कुछ पूछोगी और ना ही मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। मतलब आप वो शिवानी के पास गई थी, आपने ही कहा था ना कि उसे मारना पड़े तो मार दो, लेकिन आपके बेटे की शादी आप मुझसे करवाएंगी। मायांगिनी, तुम नागमणि के साथ आदिशेष को लेकर नागलोक आओगी तभी तुम्हारी शादी हो पाएगी, वरना नहीं होगी। ये बात मैंने नहीं, नागलोक के महागुरु जी ने कही थी। तुम तो नागमणि भी नहीं लेकर आई और आदिशेष को भी नहीं लेकर आई। लेकिन नागमाता, अब और कुछ नहीं सुनना चाहती मैं। मत भूलो कि तुम्हें पुनर्जन्म हमने ही दिया है। क्षमा करें नागमाता, इसका मतलब इन्हें सच में नहीं पता कि आदिशेष कहाँ है। नागमाता, भले ही आप जानती होंगी कि नागमणि कहाँ है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आदिशेष का मानव रूपी त्रिशूल का शरीर इस वक्त कहाँ है। बस यही काफी है मेरे लिए आप सबकी दौड़ का अंत करने के लिए। ओम महादेवाय नमः, 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 ओम महादेवाय नमः। भोलेनाथ, अघोर नागेश्वर, ये कैसा दुर्भाग्य है, ये आपका कैसा संकेत है प्रभु? धर्म का मार्ग दिखाओ हे चंद्राधर। आपकी आज्ञा के बिना तो प्रलय भी नहीं हो सकती महेश्वर, कहीं तो कुछ त्रुटि हुई है, उसको माफ करके मार्गदर्शन कीजिए रुद्रनाथ। मयूरी, तुम जानती हो ना कि ये कैसा इंसान है, कितना परेशान किया है तुम्हें, इसके व्यक्तित्व के बारे में जानती हो ना तुम? तुम्हें मनाने की इसने बहुत कोशिश की होगी और ये भी दिखाने की कोशिश की होगी कि ये अच्छा इंसान है। इनकी बात में कोई सच्चाई नहीं होती और ना अस्तित्व होता है। अब तुम ही बताओ, क्या तुम इससे प्यार करती हो? मुझे अभी तक नहीं पता चला कि मैं इनसे प्यार करती हूँ या नहीं करती हूँ। यानी कि ये प्यार का नाटक करता रहा और तुम इसके जाल में फंसती गई, तुम भी इससे प्यार करने लगी हो क्या? तुम इसके साथ अपना जीवन बिताने के लिए तैयार हो? दीदी, मैं इसके साथ नहीं जीना चाहती, लेकिन इसके बिना भी नहीं जी पाऊंगी। मेहर
मेहरबानी करके आप इस बारे में मुझसे कुछ भी मत पूछिए। नंदीश, नागमणि अपना सत्तु खोकर इतने दिन यहाँ थी, अब पांच भूतों की शक्ति नागमणि में समा चुकी है। अब नागमणि में चैतन्य आ चुका है। अब देखो नंदीश, नागमणि बिना स्पर्श किए हुए अपने आप ही ऊपर आ जाएगी। देखा आपने शिवानी जी, यह होता है प्यार। उसने अपने प्यार को दबा दिया पिता के लिए, पिता के मन को ठेस ना पहुंचे सिर्फ इसीलिए। आप उस पर इतना दबाव डाल रही है ना, इसलिए वो चुप है। उस लड़की की आंखों में आंसू है, एटलीस्ट मुझे लगता है आप तो उसे समझेंगी। उसकी कुंडली जिस कुंडली के साथ भी मिलेगी उसी के साथ विवाह होना चाहिए। अगर उस लड़की को दुख दर्द हुआ, कोई संकट आया या आंसू आए, तो उन आंसुओं का श्राप तुम्हें लगेगा। गुरुजी, आपने इतने सारे मंत्र बोले लेकिन नागमणि तो अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिली। ये कैसे संभव है? इसको ऊपर आना चाहिए था। अगर नागमणि दुष्टों के हाथ लग गई तो उसका उपयोग शून्य हो जाएगा नागमाता। क्या हुआ गुरुजी? नागमणि को असुर मन वाले प्राप्त न कर ले और अन्य लोक वाले उसको चुरा न ले, इसलिए नागमणि की शक्ति को तीन हिस्सों में विभाजन कर बांट दिया है। हम उस शक्ति का पता नहीं लगा सकते हैं, केवल नाग लोग वाले ही पता कर सकते हैं। उसके हिस्सों की जानकारी केवल नाग वालों को हो, ऐसा ही नियम है। तो फिर अब हम क्या करेंगे गुरुजी? अब हमें चालाकी से काम लेना होगा। जब नाग लोग वाले नागमणि के अंदर शक्ति डालेंगे और उसके अंदर जीवात्मा भर देंगे, तभी हम उसको प्राप्त करेंगे। देखिए अब है, आपका मेरे साथ जबरदस्ती करना और वहाँ मयूरी का रोना, इससे मैं मानने वाली नहीं हूँ। मयूरी की शादी के लिए एक योग्य लड़का चाहिए और ये वो नहीं है। हर लड़का एक लड़की की आंखों में आंसू ला तो सकता है, लेकिन वो ऐसा बने कि लड़की की आंखों में कभी आंसू आए ही नहीं, ये बहुत मुश्किल से होता है। लड़का लड़की का सिर्फ शादी करना काफी नहीं होता, उनका जीवन सुधरना चाहिए, उनके माता पिता को भी खुशी मिलनी चाहिए। लेकिन शिवानी जी, आप क्यों ये जिद पकड़ कर बैठी है? ये मयूरी का जीवन है, तो उसके जीवन की चिंता करने वाले लोग मयूरी और उसके पिता हैं। इसमें आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? उनके फैसलों पर अधिकार दिखाने का हक आपको किसने दिया? ये पूछने का हक आपको नहीं है। यहाँ मेरा फैसला ही अंतिम होगा। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन मैं इसकी शादी उससे नहीं करवाऊंगी। और ये मेरा अंतिम फैसला है। आप नहीं करवाएंगी तो क्या हुआ? मैं करवाऊंगा। अपनी कोशिश कीजिए, लेकिन मयूरी उसी से शादी करेगी जिससे मैं करवाऊंगी।
शिवानी, कहां से आ रही हो? ये सब मैं तुम्हें क्यों बताऊं? क्योंकि हम दोनों नाग लोक से हैं और एक ही लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं। एक ही लक्ष्य के पीछे भाग रहे थे, लेकिन अब लक्ष्य अलग हो गया है। हमारा लक्ष्य बदल गया है, तुम भूल गई हो क्या मायांगिनी? मुझे जानना है, मुझे सब कुछ जानना है। तुम्हें पता चला कि आदिशेष कौन है? तुम्हें पता चला कि नागमणि कहाँ है? आदिशेष के साथ नागमणि को लेकर जाने में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है? अगर ऐसा है तो हम दोनों मिलकर उसे सुलझाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, समय आने पर जिसको जो पता चलना चाहिए वो पता चल जाएगा। अगर तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा तो तुम्हें भी पता चल जाएगा। मतलब तुम्हें लगता है कि मैं धोखा दूंगी इसलिए सच नहीं बता रही हूँ? तुम तो धोखे का दूसरा रूप हो, तो फिर तुम्हें सच बोलने का क्या फायदा है? बोलो, मैं तुम्हें सच या झूठ कुछ भी नहीं बताऊंगी। पूछो क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए मायने नहीं रखती। यानी तुम्हारा मतलब है कि मैं धोखेबाज हूँ, झूठ बोलती हूँ, द्रोही हूँ, ऐसा लगता है? जब भी मैं ये सोचना शुरू करती हूँ कि तुम ऐसी नहीं हो, तभी तुम ऐसा करती हो कि यकीन हो जाता है कि तुम वैसी ही हो। छोड़ो, तुमसे क्या बात करना। तुम मुझे बहुत गलत समझ रही हो शिवानी। इतने दिनों तक तुम्हें सही समझा वो मेरी गलती थी, लेकिन अब वैसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम कैसी हो। आदिशेष के सपने देख रही हो? वो तुम्हें नहीं मिलेगा, उससे मैं तुम्हें मिलने भी नहीं दूंगी। जब भगवान ने ही कह दिया है कि वो सिर्फ मेरे हैं, तो तुम जैसे नालायकों की बातों से मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? एक बार ये पूजा हो जाए, उसके बाद आदिशेष का पता लगाऊंगी और उसके बाद तुम्हारा भी संहार करूंगी मैं। मरने को तैयार हो जाओ। आप तुम जा सकते हो। मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ गुरुजी। आपको मेरे साथ चलना ही होगा। मेरे साथ चलकर धनंजय से मिलकर आप ये जानिए कि वो धनंजय है या दिग्विजय है। सभी बातों का अपना समय होता है नंदेश। मान लेते हैं कि जो तुम कह रहे हो वो सच है। अगर धनंजय ही दिग्विजय है तो उसका साथ जरूर कोई महाशक्ति दे रही है, इसलिए बिना किसी तैयारी के उसके सामने जाना मूर्खता होगी। उसके अलावा ये मेरी पूजा का समय है। मुझे पुनर्जन्म देने वाली माँ कालिका देवी की पूजा करने का समय है। यदि एक दिन भी मैंने उनकी पूजा नहीं की तो मेरी सारी शक्तियाँ गायब हो जाएंगी। हमारा परम लक्ष्य था नागमणि कहाँ है ये पता लगाना, और वो कर लिया है। जल्द से जल्द मैं उस घर में रहने वाला दिग्विजय है या धनंजय है ये पता करूंगा। एक और आवश्यक बात है, मेरे लौटने के बारे में तुम्हारे अलावा किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। तुम यदि किसी समस्या में आओगे तो तुम्हारी रक्षा मैं ही करूंगा, ये याद रखना। तुम जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय मत ले लेना। मन शांत रखना और सहज रहना। जी गुरुजी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। तुमने मेरे शिष्य होने के नाते, मेरे ना होने पर भी मुझे ढूंढकर मुझे जिंदा किया है। तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो। मुझे जो कुछ भी प्राप्त होगा उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा नंदीश। मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। चलता हूँ गुरुजी। आधी नहीं पूरी नागमणि मुझे ही चाहिए गुरुजी। विशेष, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ओह, समझ गया भाई, शिवानी के चैलेंज के बारे में तुम्हें टेंशन हो रही है। अरे उसके चैलेंज को तो गोली मारो। देखो, मैंने तुमसे वादा किया है ना, तुम्हारी और मयूरी की शादी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम दोनों की शादी जरूर होगी, मैं तुम्हारी शादी करवा कर ही मानूंगा। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, उसका जवाब तुम्हें देना होगा। कैसा सवाल?
तुम्हारा प्यार सच्चा है इस पे विश्वास कैसे करो? तुम्हारा प्यार सच्चा है मुझे प्रूव करके दिखाओ। शिवानी और मयूरी को तुम्हें एक अच्छा लड़का कंसिडर करना होगा। मयूरी को तुमसे अच्छा कोई और लड़का नहीं हो सकता, ऐसा लगना चाहिए। प्यार को प्यार से ही जीता जा सकता है। अच्छा मधु। जी छोटे मालिक। नंदीश ने कोई कॉल किया क्या? नहीं, कॉल नहीं किया। वैसे वो गया कहाँ है? वो दूर के रिश्तेदार का गृह प्रवेश है, वहीं गए हैं। गृह प्रवेश मतलब एक दिन का कार्यक्रम, तो फिर वापस क्यों नहीं आया? शायद कोई काम आ गया होगा। अरे तो फिर फोन तो करना चाहिए ना। पहले तो बता कर जाया करता था, अगर देरी हो जाती थी तो वो कॉल करता था, लेकिन इस बार वो कहां जा रहा है किसी को नहीं बताया। छोटे जीजा जी, बिना बताया गया ठीक है, लेकिन नंदीश किस तरह का इंसान है उसका वर्णन करने के हिसाब से लगता है आप नंदीश को सालों से जानते हैं। हाँ बेटा, मैं भी यही बात सोच रही थी। दिग्विजय को तो नंदीश के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन तुम्हें उसके बारे में इतना कैसे पता? अब वो इतने दिन साथ रहने के बाद कौन कैसा है पता तो चल ही जाता है, इसलिए कह दिया। अरे नंदीश अंकल, आप आ गए। नंदीश कहाँ गए थे, सच सच बताओ। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं नंदीश, बोलो। मेरे रिश्तेदार की शादी थी, वहां गया था। शादी? वो मधुमती तो तुम किसी गृह प्रवेश के लिए गए कह रही थी। मतलब अपनी बीवी को गृह प्रवेश बोलकर तुम शादी अटेंड करने गए थे। सच्चा प्यार ऐसे नहीं होता शेष, वो पहली नजर में हो जाता है। जब तुम प्रेत लोक में आकर प्रेत लोक के सैनिकों के साथ युद्ध कर रहे थे, तब तुम्हें देखते ही तुम्हारे लिए मेरे मन में प्यार उमड़ आया था, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। लेकिन वो मयूरी अब भी तुमसे सच्चा वाला प्यार नहीं करती है शेष, पर तुम उससे सच्चा प्यार करते हो, ऐसा तुम्हें उसे भरोसा दिलाना होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तुम भी यही कह रही हो और अभय भी बिल्कुल यही बात कह रहे हैं। इस दुनिया के लोग ऐसे ही हैं, किसी की एक पल की नौटंकी को देखकर अपनी पूरी जिंदगी किसी के नाम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर ये मयूरी कौन सी अलग दुनिया की है? कुछ सोचो शेष, कुछ ऐसा करो कि उसे तुमसे प्यार हो जाए। समझ गया मोहिनी, मैं उसके लिए कोई खास तोहफा ले जाऊंगा, जैसे कि कोई विशेष दृश्य या फिर कोई खास घटनाक्रम का निर्माण करूंगा। इस बार उसे मुझसे प्यार होकर ही रहेगा, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। सच सच बताओ नंदीश, तुम कहां थे? वो मधु के रिश्तेदार के यहाँ गृह प्रवेश था, और फिर उसके 3 दिन बाद मेरे रिश्तेदार के यहाँ शादी थी। आने जाने में परेशानी होगी, इसलिए मैं वहीं रिश्तेदार के यहाँ रुक गया, फिर शादी खत्म करके आया। अरे नंदीश,
तुम्हारे घर में कोई भी कार्यक्रम होता था तो तुम हमें आमंत्रित करते थे या फिर कम से कम हमें बता दिया करते थे, और तब मैं चावल, गुड़, हल्दी, कुमकुम के साथ तुम्हारे घर आती थी। ये हमारी परंपरा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तुमने हमें कुछ बताया ही नहीं। माँ जी, वो मालिक गायब हैं और रीना का भी कुछ नहीं पता है। त्रिशूल भी घर से गायब है। इन परिस्थितियों के कारण घर में सब दुखी है ना, इसीलिए मैंने किसी को कुछ बताया नहीं। और कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं बताया, लेकिन उस दिन जब आप यहाँ से निकले थे ना, आपका मोबाइल गालीपुर का लोकेशन क्यों दिखा रहा था मिस्टर नंदिश? और वहां से आप कोटेपुर के आसपास के पहाड़ों में घूम रहे थे। कोटेपुर के पहाड़ों में तो त्रेंबक गुरुजी मुझसे मिले थे, ये वहां क्यों गया? मैंने भी त्रेंबक को इन्हीं पहाड़ों के बीच में मारा था, ये वहां क्यों गया?